लोगों की मांग है कि राम मंदिर बनना चाहिए, सरकार भी कह रही है, साधु संतों की मांग है, लेकिन जगह जगह से विरोध सामने आ रहा है, क्या कहें? देखिए, आज भारतवर्ष का जनमानस अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के पक्ष में बना हुआ है। भगवान राम श्रद्धा और विश्वास की चीज है, इसलिए चाहे राजनेता हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, सभी को हमेशा जन भावनाओं का आदर करना चाहिए। राम जन्मभूमि, भगवान राम का मंदिर अयोध्या में जरूर बनेगा और श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ के हाथों से ही शिलान्यास होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। क्या 2019 से पहले शिलान्यास की संभावना है? निश्चित रूप से, पार्लियामेंट के चुनाव से पहले। और देखिए, योगी जी खुद एक संत हैं, वो जिस दिन उनका मुहूर्त निकल जाएगा उसी दिन शिलान्यास हो जाएगा। तो कांग्रेस के नेता ने कल बयान दिया, योगी नहीं भोगी है, क्या कहेंगे? ऐसा है ना, जो जैसा होता है वो वैसा ही सोचता है। यदि योगी जी के बारे में भी कोई व्यक्ति इस बात को कहता है कि योगी नहीं भोगी है, तो मैं समझता हूँ कि उसमें मनुष्यता नाम की कोई चीज नहीं है, वो अज्ञान है, वो अंधकार में है। जब 15-15, 10-10 करोड़ हमारे कुंभ में, महाकुंभ में संत और श्रद्धालु आते हैं, आज तक वहाँ पत्ता नहीं हिला, तो अयोध्या में यदि हजार और लाख की तादाद में संत आ जाए तो किसी को खतरा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और योगी जी ने जो इतना बड़ा सुधार कानून व्यवस्था में किया है, प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी दी है, इसलिए अयोध्या में किसी भी प्रकार की किसी व्यक्ति को सुरक्षा का खतरा होने का सवाल ही नहीं। मंत्री, जिस तरीके सरकार ने फैसला लिया है कि मथुरा में धार्मिक स्थिति होने चलते शराब और मांस की जो प्रक्रिया पूर्ण रूप से खत्म की जाएगी, तो कब से आदेश लागू हो पाएगा? देखिए, ऐसा है, ये घोषणा बाद में हुई तीर्थ स्थलों, उससे पहले ठेके हो चुके थे, उनको बंद करने की पूरी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, कोई ठेका नहीं रहेगा तीर्थ स्थलों में। और जो हमारे तीर्थ स्थल घोषित हुए, ना वहाँ कोई अंडा मांस मछली बिकेगा।